हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी यूनिट सेकेंड, जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट और हार्ट के रिलेटेड जो हमारे सिलेबस के अंदर डिजीज दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, डिफिनीशन, साइन एंड सिम्टम, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, ये सब के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस सबसे पहले देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो कार्डियोवास्कुलर दो वर्ड मिल के बना हुआ होता है, कार्डियो प्लस वास्कुलर। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट और वास्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल। तो इस सिस्टम में क्या होता है, ब्लड और ब्लड वेसल के बारे में ही बात किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इस सिस्टम द्वारा हमारे शरीर के हरेक पार्ट में ब्लड को सप्लाई होता है और ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन का भी सप्लाई होता है हरेक सेल और टिश्यू तक, इसीलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गेन। जो हार्ट होता है एक होलो मस्कुलर ऑर्गेन होता है, क्योंकि हार्ट के अंदर कोई भी बोन नहीं पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि हार्ट का मेल में वेट कितना होता है और फीमेल के अंदर कितना होता है। तो मेल के अंदर 300 से लेके 350 ग्राम होता है और फीमेल के अंदर हार्ट का वेट 250 से लेके 300 ग्राम तक होता है। अब हम देखते हैं कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है हार्ट का। तो सबसे मेन जो फंक्शन है हार्ट का वो है पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना। और दूसरा है इट डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी टिश्यू। हमारे हरेक बॉडी सेल तक, हरेक बॉडी टिश्यू तक पंपिंग के दौरान न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है हार्ट के द्वारा। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। कहने का अर्थ, जो हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर जाके प्यूरीफाई होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे बॉडी से बाहर आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन थ्रू आउट द बॉडी। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन का भी सप्लाई होता है। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कहने का अर्थ, जैसे ब्लड सप्लाई होता है हमारे शरीर के अंदर हरेक टिश्यू और सेल के अंदर, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करके रखने का काम करता है। अब हम देखेंगे कि इस सेमेस्टर के अंदर कार्डियोवास्कुलर के रिलेटेड कितना डिजीज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनीशन, साइन सिम्टम, टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। और एक और टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर के किस तरीका से रेगुलेशन होता है। तो टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, किस प्रकार से रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। हाइपरटेंशन दो वर्ड मिलकर बना हुआ होता है, हाइपर प्लस टेंशन। हाइपर मीन्स होता है हाई और टेंशन मीन्स होता है प्रेशर या फोर्स बोल सकते हैं।
तो दोनों वर्ड के अगर हम कंबाइन करके सिर्फ देखेंगे तो निकल के आएगा हाई प्रेशर। इस सिस्टम के अंदर बात होता है ब्लड के बारे में, तो कहने का अर्थ अगर ब्लड के द्वारा अगर हाई प्रेशर अप्लाई होता है ब्लड वेसल के अंदर, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, और हाइपरटेंशन के हम दूसरा नाम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। जैसे सबसे पहले एक समझिए कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के ये जो पार्ट है इसको हम लूमेन बोलते हैं। होगा जैसे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो होगा, तो ब्लड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल के द्वारा ब्लड वेसल के सरफेस पे, ब्लड वेसल के जो वाल है उस पे कुछ प्रेशर अप्लाई होता है। अगर ज़्यादा ब्लड के द्वारा अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है जिसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, अगर ब्लड पार्टिकल के द्वारा कम प्रेशर अप्लाई होता है जिसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो हम कैसे डिफिनेशन लिख सकते हैं हाइपरटेंशन का? द हाई प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अगर इस इंटरनल वॉल ऑफ ब्लड वेसल पे ब्लड के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये प्रेशर दो प्रकार हो सकता है, अगर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, लेकिन अगर कम अप्लाई होगा उसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो थोड़ा फिजिक्स के फॉर्मूला से यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे सब लोग पढ़े होंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो फोर्स बढ़ेगा और एरिया कम होगा। जैसे हम लोगों को पता है जैसे कभी कभी खेत में पानी पटाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग पाइप को क्या करते हैं दबा देते हैं, जिसके वजह से फोर्स बढ़ता है, पानी ज़्यादा दूर तक जाता है। लेकिन अगर जैसे ही हम पाइप को छोड़ देते हैं तो पानी बहुत पास में गिरता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लड वेसल है इसका जो लूमेन का एरिया है वो कम है, और इसका जो ये जो ब्लड वेसल है इसका लूमेन का एरिया ज़्यादा है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, तो जो ब्लड वेसल का साइज है, अगर ब्लड वेसल का साइज किसी भी वजह से अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, या लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, तो क्या होता है ब्लड का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है, और ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल पे प्रेशर लगता है वो ज़्यादा लगता है। इसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ब्लड वेसल है इसका लूमेन का जो साइज है वो बड़ा है। जब लूमेन का साइज बड़ा है तो इजीली क्या होता है ब्लड पास हो जाता है ब्लड वेसल से, और प्रेशर भी कम अप्लाई होता है ब्लड वेसल के वाल पे। तो ऐसा कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा लो ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर कहने का अर्थ ब्लड पार्टिकल अप्लाई हाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल के वॉल पे ब्लड द्वारा अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन। जैसे यहाँ से फिगर से आप समझ गए होंगे। और जो लो ब्लड प्रेशर है इसमें क्या होता है ब्लड पार्टिकल अप्लाई लो प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल का जो साइज है लूमेन का साइज है वो बड़ा है तो क्या होगा ब्लड इजिली फ्लो होगा, और ब्लड के पार्टिकल के द्वारा जो ब्लड वेसल के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो भी कम होगा। तो ऐसा कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। ब्लड वेसल का जो साइज है वो कम कैसे होता है? तो वैसोकंस्ट्रिक्शन, कोई ऐसा केमिकल रिलीज होगा जो वेसल को क्या करे कंस्ट्रिक्ट कर दे, पतला कर दे, उसको हम बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा हमारे शरीर के अंदर तो भी क्या होगा हाइपरटेंशन हो जाएगा। जैसे जितना हम पानी पीते जा रहे हैं लेकिन यूरिन पास कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर फ्लूड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है। सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन, तो सबसे पहले चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन, इरेगुलर हार्ट बीट, नोज ब्लीड एंड विजन लॉस, ये सब क्या है कि कुछ सिम्टम है जो हाइपरटेंशन को पेशेंट में देखा जाता है। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले रेनल डिसऑर्डर, रेनल कहने का अर्थ किडनी। अगर किडनी में कोई प्रकार का डिसऑर्डर है जिसके वजह से किडनी प्रॉपर तरीका से ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं करता है, जिसके वजह से बॉडी के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा
ये अपना काम कम करेगा, जिसको वजह से हाइपरटेंशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्रोनिक रेनल डिजीज, अगर लॉन्ग टाइम से किडनी का कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। सेकेंड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहने का इंक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, अगर इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। सेकेंड है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, तो ब्लड का फ्लो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होने का चांस होता है। अब अदर कॉज देखते हैं, अदर इटियोलॉजी जिससे भी हाइपरटेंशन होता है, तो वो है स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री एंड स्ट्रेस, ये भी कुछ कॉज है जो हाइपरटेंशन करा सकता है। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कैसे ब्लड का रेगुलेशन होता है उसको देखेंगे। जैसे हर एक कोई का हाइपरटेंशन नहीं होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल है, कहीं पे दौड़ के आएंगे तो चेक करेंगे तो बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद फिर से बीपी नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये कैसे होता है इस प्रोसेस को देखते हैं। ब्लड वेसल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है एक बैरोरिसेप्टर, और इस बैरोरिसेप्टर के काम होता है कि ब्लड का जो प्रेशर है उसको मेजर करना, और जैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा, अगर ब्लड के द्वारा अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ये ज़्यादा प्रेशर इनको इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में पहुँचाएगा, अगर ब्लड के द्वारा कम प्रेशर लगेगा ब्लड वेसल पे तो उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में पहुँचाने का काम, दोनों इन्फॉर्मेशन को बैरोरिसेप्टर क्या करता है ब्रेन में पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट होता है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। ब्रेन में होता है दो टाइप का सिस्टम, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा पारासिंपैथेटिक सिस्टम, तो ये दोनों सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी का होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो अगर बायरोरिसेप्टर ने सेंस किया हाई बीपी, तो सेंसरी जो नर्व है वो ब्रेन में ले जाके इन्फॉर्मेशन देगा हाई बीपी का, तो हमारे शरीर के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा एक्साइटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पसीना आएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, वो सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेशन होने के वजह से होता है। सेकेंड, जो पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो बढ़ा हुआ बीपी है उसको पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है, नॉर्मल करने का कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर काम करते रहता है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम कहीं पे दौड़ के आएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा देर बाद फिर से बीपी नॉर्मल हो जाएगा, तो ये दोनों सिस्टम जो है सिंपैथेटिक एंड पारासिंपैथेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर को होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो लिख सकते हैं दीज आर दोज रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो बैरोरिसेप्टर होता है ये ब्लड वेसल के वॉल पे प्रेजेंट होता है, और ये मदद करता है मेजरमेंट ऑफ चेंज इन प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के वॉल पे जो ब्लड पार्टिकल के द्वारा प्रेशर क्रिएट होता है उसी प्रेशर को बैरोरिसेप्टर ने मेजर करके ब्रेन में इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, और ब्रेन में होता है दो प्रकार का सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पारासिंपैथेटिक सिस्टम, तो वही दोनों सिस्टम क्या करता है हमारे बीपी को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हमारे शरीर में किस प्रकार से इनिशिएट होता है, डेवलप होता है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, जिसको बोलते हैं रास सिस्टम। रास सिस्टम कहने का अर्थ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में रास सिस्टम भी बोला जाता है। तो लीवर के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम एंजियोटेंसिनोजेन, ये लीवर द्वारा रिलीज होता है, और जैसे लीवर द्वारा रिलीज होगा तो किडनी के द्वारा रेनिन एक प्रोटीन या एंजाइम बोल सकते हैं वो रिलीज करता है किडनी, और जैसे किडनी रेनिन को रिलीज करेगा तो इस एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये जो एंजियोटेंसिन है ये इनएक्टिव केमिकल कंपाउंड है, इनएक्टिव केमिकल सब्सटेंस है, क्योंकि रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए एक्टिव कंपाउंड होना जरूरी होता है। तो इस इनएक्टिव एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एसीई इनहिबिटर, जिसको फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्या करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करेगा,
और जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होगा तो एक कंपाउंड, एक केमिकल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव होगा तो क्या होगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर से बाइंड करके जो ब्लड वेसल है उसको वैसो कंस्ट्रिक्शन करने का अर्थ ब्लड वेसल को पतला कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा, सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा पहुँच जाएगा, जिसके वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म हुआ हमारे शरीर के अंदर बीपी कैसे बढ़ता है। अब सेकेंड काम क्या है कि अगर जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड, उसका एक पार्ट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रेनल कॉर्टेक्स से बाइंड करेगा तो रिलीज करेगा एल्डोएस्ट्रन। एल्डोएस्ट्रन एक हार्मोन रिलीज करेगा और इस हार्मोन क्या करेगा, सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देगा ब्लड के अंदर। तो क्या होगा, सोडियम का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम शरीर के अंदर बढ़ जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल पे प्रेशर ज़्यादा लगेंगे और हमें हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ये टोटल हुआ हाइपरटेंशन के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में।